आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले हम उन बच्चों में देखते हैं जिनमें एज के हिसाब से, जैसे 1 ईयर कंप्लीट होने पे, 2 ईयर कंप्लीट होने पे, 3 ईयर कंप्लीट होने पे, तो जिस जिस एक माइलस्टोन पे जब पहुंचते हैं, तो नॉर्मली एक बच्चा जो फंक्शन करना चाहिए, चलने की कोशिश या बैठने की कोशिश या चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने की, या मदर या फादर के फेस को या घर के लोगों के फेस को रिकॉग्नाइज़ करने की एबिलिटी, बोलने की, ब्लैबर करने की, ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मली हम एक एक माइलस्टोन पे देखते हैं बच्चों में। ओके, वो अगर ना हो पाए, वो स्किल्स अगर डेवलप ना हो पाए, तो हम उसे डेवलपमेंटल डिले कह रहे हैं। ओके, सो इट इज़ अ कंडीशन वेयर बाई चिल्ड्रन फेल टू अक्वायर द स्किल्स अप्रोप्रिएट फॉर देयर रिस्पेक्टिव एजेस। ओके, इसकी क्या कॉजेज हो सकते हैं? मेन कॉजेज हम देखते हैं जैसे जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर में अगर कोई हेरिडिटरी रीजन है या फिर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी हुई है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं एक बच्चे की, वो ठीक से फॉर्म नहीं हो पाती हैं। ओके, प्रेगनेंसी या बर्थ फैक्टर्स में, जैसे ड्रग का मिसयूज़ अगर मदर करती थी, प्रेग्नेंट मदर करती थी, अल्कोहल इंटेक करती थी या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटेक करती थी, तो उससे हो सकता है कि बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, इन्फेंसी या चाइल्डहुड, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसने अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्ट कर लिया है, जैसे पॉइजनिंग हो गई है या ब्रेन या हेड इंजरी कुछ हो गया है बच्चे को, उन केसेस में हम देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन जो है वो ठीक से डेवलप ना कर पाए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हम देखते हैं कि ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन या कोई भी और एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो ग्रो करने के साथ साथ अपनी एज के हिसाब से नॉर्मल स्किल्स एक्वायर ना कर सकें। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स, हम जस्ट शॉर्ट में ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके की एबिलिटीज़ होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें एक बच्चा एक्वायर करता है जो यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले की वजह से एक बच्चा एक्वायर नहीं कर पा रहा है। ओके, सो जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम देखते हैं, लैंग्वेज का मतलब है कि वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाना, स्पीच या कम्युनिकेशन कर पाना एक बच्चे का, वो चीज़ होती है लैंग्वेज। और वो चीज़ अगर बच्चा नहीं कर पाए, तो हम कहते हैं कि द बेबी इज़ हैविंग अ डेवलपमेंटल डिले। ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ या स्किल्स में आते हैं जैसे चलना, बैठना, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, ये सारी चीज़ें ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ में आती हैं और कुछ बच्चे ये चीज़ एक्वायर नहीं कर पाते हैं एज के हिसाब से। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का मतलब है याद रखने की कोशिश करना, सोचने की कोशिश करना, मेमोराइज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में आता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़, फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ में जैसे हैंड राइटिंग्स हो गई, यूज़ ऑफ पेन या पेंसिल, जिससे वो कुछ लिखने की कोशिश करें, पेन पकड़ना सीखना, ये सारे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो डेवलपमेंटल डिले की वजह से शायद बच्चा ये स्किल एक्वायर ना कर सकें। ओके, सोशल स्किल्स एंड अडैप्टेबिलिटी, जिसमें सोशल इंट्रैक्शन या अपने लिए कुछ कर पाना, बच्चा अपने आप वॉशरूम यूज़ करने जा सकें, क्लोथ चेंज कर सकें, बात कर सकें, या ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या प्ले या घर के लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोशल इंट्रैक्शन, सोशल स्किल्स में और अडैप्टेबिलिटी में आता है। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज, मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं, या इंटेलेक्चुअल या सोशल स्किल्स जो होते हैं, ये डेवलपमेंटल डिले की वजह से काफ़ी बच्चे एक्वायर नहीं कर पाते हैं। सो दैट ऑल कम्स अंडर द डेवलपमेंटल डिले प्रॉब्लम्स। ओके, इसके लिए सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जिसमें कैरियोटाइपिंग की जाएगी, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एनालिसिस किया जाता है, टू सी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चा एक पर्टिकुलर स्किल एक्वायर नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि क्या मेडिकल सर्विसेज हम ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ दे सकते हैं, जिससे वोकेशनल थेरेपीज़, जिससे बच्चे को हम ये सारे स्किल्स जो हैं, फाइन मोटर स्किल्स या ग्रोस मोटर स्किल्स जो हैं, वो सिखाने की कोशिश कर सकें। फिजियोथेरेपीज़ कराई जा सकती हैं, ताकि जो मोटर पार्ट्स हैं या फिर जो जैसे भी ये जो मोटर स्किल्स जो होती हैं, उन चीज़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या अडैप्टेबिलिटी है, वो सीख सके बच्चा। स्पीच थेरेपी, ताकि यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस, वर्ड्स, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं स्पीच थेरेपी से हेल्प मिल सकती हैं। ओके, सो ये ऐसे और भी काफ़ी ऐसे थेरेपीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिले होता है, उनको एक बेटर लाइफ देने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंटल डिले टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।